कल उसने बोला कि सर मैं आपको एक सच बात बताऊं, मैंने बताओ, बोले सर पता है आपको मुझे क्या लगता है कि मेरा इंटरव्यू में क्यों नहीं हुआ, मैं रिजेक्ट क्यों हो गया, मैंने क्यों, सर उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैं उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे ही नहीं पाया, कुछ भी नहीं बोल पाया, शायद मुझे लगता है कि वहीं पर मेरे नंबर कट गया और मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने क्या क्वेश्चन था, मैंने तुमने आज तक नहीं बताया मुझे। बोले बोले बाकी सर पूरा मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, मैंने हर एक क्वेश्चन के इतने सही आंसर दिए, उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, मैंने इतना बढ़िया आंसर दिया, वो लोग स्माइल करने लगे खुश हो, लेकिन एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा जो मैं नहीं बता पाया। मैंने क्या, उन्होंने पूछा कि तुम जॉब क्यों करना चाहते हो। सिंपल दोस्तों, अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं था। मैंने अभी आपसे पूछा स्वीटी ये बताइए 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन है आपका, एक आईक्यू लेवल चेक करना चाहते थे कि आप ऑन द स्पॉट क्या आंसर देते हो। उन्होंने पूछा कि आप जॉब क्यों करना चाहते हो, बोले सर मैं 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ जॉब की, मुझे जॉब ही करना है, ये हमें भी पता, सबको पता है, लेकिन जब इंटरव्यूअर ने ये क्वेश्चन पूछा ना सर, मैं बिल्कुल शांत था, मैं बोल ही नहीं पाया कि मैं क्या उनको आंसर दे दूं कि भाई कहले सर मुझे पता है मैं जॉब क्यों करना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं उनको क्या ऐसा आंसर दे दूं, मैं क्या बोल दूं कि मैं जॉब क्यों करना चाहता हूँ, ये बोल दूं कि मुझे पैसे कमाने हैं, ये बोल दूं कि भाई मुझे घर वालों के, मैं घर में कोई नहीं है सरकारी, इसलिए, बोले सर मैं बोल ही नहीं पाया, मैं इतना नर्वस हो गया मैं बोल नहीं पाया, और शायद उसी वजह से मेरा रिजेक्शन हो गया। अब सोचो ये कोई ऐसा क्वेश्चन है, जॉब क्यों करना चाहते हो। लेकिन दोस्तों इंटरव्यूअर क्या करता है, इंटरव्यूअर देखो आपको कभी आपकी नॉलेज पे चेक नहीं करता है, वहां बैठ के हमेशा ध्यान रखना। देखो दोस्तों इंटरव्यूअर ने आपकी नॉलेज चेक कर लिया, कब, आपके रिटन टेस्ट में, आप रिटन क्वालिफाई करके ही इंटरव्यू में आए हो, तो वो आपका रिटन क्वालिफाई कर दिया, आपकी नॉलेज चेक करने नहीं बैठा वहां पर, वो केवल और केवल आपका IQ, वो केवल आपकी पर्सनैलिटी, वो केवल आपके जवाब, वो केवल आपकी थिंकिंग, ओवरऑल आपको पढ़ना चाहता है कि आप कैसे इंसान हो, क्या आप मैनेजमेंट का प्रेशर झेल पाओगे। अगर ऑन द स्पॉट किसी इंसान ने आपसे ये क्वेश्चन कर दिया तो आप क्या आंसर दोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपकी सोच क्या है, आप कितने नर्वस हो, ये इंटरव्यूअर चेक करता है। रिटन में तो आपको देख लिया ना आपके नंबर कितने हैं, यहां पर अक्कू का सिलेक्शन नहीं हो पाया शायद इस क्वेश्चन की वजह से। तो उसने मुझसे बोला सर ये मुझे बताओ अगर मैं जॉब क्यों करना चाहता हूं, अगर अब से अगर मुझे पूछा जाएगा तो मैं आप क्या आंसर दूंगा, आप मुझे बताओ सर इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मैंने उससे बोला देखो अक्कू यार इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं अलग अलग प्रकार के, बट अगर कोई मुझसे पूछता कि आप जॉब क्यों करना चाहते हो, देखो दोस्तों यहां पर एक ऐसा आंसर दिया जाता है जिसमें एक सच्चाई भी हो, इंटरव्यू के सामने कभी भी शो ऑफ मत करना, शो ऑफ करोगे वो पहचान लेगा, एक सच्चाई भी होनी चाहिए, और दूसरा एक ऐसा आंसर जो उनको लगे कि यार ये बंदा इंटेलेक्चुअल है, ये बंदा प्रैक्टिकल है। बहुत से लोग कहेंगे मेरे मम्मी पापा को बहुत पसंद है मैं सरकारी नौकरी में जाऊं और ये वो इमोशंस के साथ, नहीं, मैंने उसको बोला देखो आप जॉब क्यों करना चाहते हो, सिंपल एक चीज बताओ कि सर इस एडवांस लाइफ में, इस दुनिया में आपको सर्वाइव करने के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम तो होना चाहिए, वो सोर्स ऑफ इनकम तो आप कहीं से भी कर सकते हो, आप दुकान भी कर सकते हो, आप कहीं भी कुछ और चीज कर सकते हो, रेडियो लगा ठेला लगा सकते हो वो आ जाएगी, एक जॉब भी कर सकते हो सर, एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम, एक रेपुटेशन, ये चीजें एक अच्छी जॉब से आती हैं। ठेला लगाओगे तो वो रेपुटेशन नहीं होती, दुकान करोगे तो वो रेपुटेशन, वो इनकम नहीं आएगी। सर सभी को चाहिए एक अच्छी रेपुटेशन, समाज में दर्जा और एक अच्छा नाम और एक अच्छी सैलरी, तो सर इस वजह से मैं जॉब करना चाहता हूँ। दूसरा कि किसी भी अगर मैं सरकारी विभाग में अगर जॉब करता हूँ तो मेरे जॉब करने से मैं अपने देशवासियों को उस सरकारी संस्था की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, जिसकी वजह से उनके पास भी उस सर्विसेज की नॉलेज पहुंचेगी, वो भी आगे काफी हद तक बहुत सारी चीजें सीख कर ग्रो कर सकते हैं, मैं उनके लिए भी कुछ कर सकता हूँ इस जॉब में रह के। अगर मैं ठेला लगाऊंगा तो शायद मैं वो चीजें उन तक नहीं पहुंचा पाऊँ। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि सर किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वहां के हर एक सिटीजन के पास एटलीस्ट जॉब होनी चाहिए, तो अगर आज मैं जॉब करता हूं तो कहीं ना कहीं मैं अपने देश को भी इकोनॉमिकली एक स्ट्रॉन्ग बना रहा हूं। अगर मैं जॉब ना करूं, छोटी मोटी जॉब करूं तो शायद हो सकता है ऐसा ना हो। तो सर ये 2-3 कारण है जिसकी वजह से मैं जॉब करना चाहता हूं, वो भी सरकारी जॉब करना चाहता हूं। मुझे बताओ कि आप लोग इस आंसर से सेटिस्फाई हो गए। ऐसा नहीं कह रहा कि दिस इज द परफेक्ट आंसर, मैंने बोला भाई मेरे सामने जो भी आंसर आया, मुझे जो ऑन द स्पॉट आंसर पता चला मैंने बता दिया। आपके पास और भी अच्छे आंसर्स हो सकते हैं,